इस हफ्ते ड्रामा गप की एक स्पेशल एपिसोड है, इसलिए क्योंकि मैं जब इस हफ्ते ड्रामे देख रही थी तो मैंने दो चीज़ें देखी, मेरे पास तुम हो की लास्ट किस देखी और रुसवाई का टीज़र देखा। और मुझे इन दोनों चीज़ों से बहुत मसला हुआ, दे रियली डिस्टर्ब मी। और जब मैं ऑफिस आई और मैंने फरा से बात की तो फरा के भी वही ख्याल थे जो मेरे थे, तो हमने सोचा कि इस हफ्ते हम ड्रामा गप में स्पेशल डिस्कशन करेंगे इन दो ड्रामों पे जो मैंने आपको मेंशन किए। फरा तुम स्टार्ट करो, आई थिंक गिविंग अ लिटिल बैकग्राउंड। ड्रामा क्वीन राबिया हैं, बट इस दफ़ा में जो उसने पॉइंटर्स नोट किया है वो मैंने भी नोट किया। हमारी स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस है बाय फरा हक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो फरा, हाउ आर यू डूइंग? ड्रामे पसंद है आपको, देखती हैं? मैं मुश्किल से वैसे एक ड्रामा ही देख लूँ एक टाइम में तो बहुत है। और फरा ने आके मुझे काफ़ी एक्चुअली गालियाँ दी कि तुमने मुझे क्यों बोला कि मेरे पास तुम देखो। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये होने वाला है। सो अब आपको पता चलेगा कि हम क्यों, बट उससे पहले हम आपको थोड़ी सी समरी देते हैं मेरे पास तुम हो की। तो फरा तुमने तो देखा है ड्रामा, ठीक है? सो मेरे पास तुम हो में आयजा अदनान सिद्दीकी और हमायूं सईद हैं। वेरी नाइस टू सी हमायूं सईद अदनान सिद्दीकी बैक, बहुत मज़ा आ रहा है दोनों को, दे आर बहुत मंझे हुए एक्टर्स हैं। लेकिन अच्छा, तो लेकिन बाद में आएंगे। स्टोरी ये है कि हमायूं सईद और आयजा का हैप्पीली मैरिड है, उनका एक बेटा है और थोड़ा गुजारा उनका मुश्किल से होता है। हमायूं सईद किसी गवर्नमेंट ऑफिस में है लेकिन वो कोई रिश्वत नहीं लेते, गलत काम नहीं करते, और आयजा जो है उनका काफ़ी हाथ खुला है, शी ऑलवेज हैज़ अ डिमांड। तो दिखाया कि वो फाइनेंशियली काफ़ी मसले में है और उनकी लव मैरिज, जब उसकी डिमांड नहीं पूरी होती है तो शी इवन गोज एंड आस्क्स हर फ्रेंड टू गिव हर बिग लोन्स। तो क्या कहते हैं, यू नो, मतलब दैट्स समथिंग, थोड़ा पैसे से रिलेटेड उनको जो है दिखाया है कि मसले हैं उनको। सो हमायूं सईद जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना अपनी बीवी की डिमांड्स किसी ना किसी तरीके से उनकी उसकी डिमांड पूरी करें। इज मैडली इन लव विद हर, यू नो, ही थिंक्स, ही सेज के मेरे पास तुम हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दैट्स हिज फिलॉसफी। नाउ कम्स इन पिक्चर अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी जो है कोई बहुत अमीर साहब हैं जिनकी बीवी उनसे बहुत दूर किसी और मुल्क में रहती हैं और उनके उनसे ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, बहुत रस्मी से हैं, और उनका दिल आयजा पे आ गया है। उनको पता है कि आयजा शादीशुदा हैं। अब उन्होंने एक किसी तरीके से आयजा के मियाँ से हमायूं सईद से दोस्ती कर लिया और उनको डिनर पे अपने घर इन्वाइट किया है, और इसके दौरान वो आयजा से फ़ोन पर भी बात करते रहते हैं। दो दफ़ा आयजा से फ़ोन पर जब उनके मियाँ घर पर नहीं होते बात करते हैं, एंड इट्स सपोज टू बी जस्ट अ फ्रेंडशिप। But then they also mentioned, I knew he won't be in at this time. तो मैं इस वक्त में, अच्छा वो तो निकल जाते हैं, तो मैंने फोन किया। अदनान सिद्दीकी जब कॉल करता है ना तो बोलता है मुझे पता तुम्हारा मियाँ घर पे नहीं होगा इसलिए मैंने कॉल किया। यहाँ तक स्टोरी है। अब फिफ्थ एपिसोड जिसके बारे में हम बात करेंगे, और फिफ्थ एपिसोड की भी लास्ट सीन के बारे में बात करेंगे क्योंकि ना बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी। उसमें आयजा और हमायूं जो हैं वो अदनान सिद्दीकी के घर आए हैं डिनर पे, और अब वो खाना खा के निकलने वाले हैं। खाने के दौरान भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत वेरी ओपनली अदनान सिद्दीकी आयजा के ऊपर को हिंट्स देते हैं कि वो उसमें इंटरेस्टेड हैं, बहुत से डायलॉग्स और एक्शंस के थ्रू। वो भी हम बर्दाश्त कर रहे थे और आपको भी दिखाएंगे और फिर हम उस पर दिखाते हैं कि हम क्या ख्याल रखते हैं। सीन की बात कर रहे हैं, ये सब तो बहुत महंगा है शहबाज। Really? आपकी मिसेज भी तो बहुत महंगी है। Oh, how cheap. हाथ पकड़ता लेकिन प्यार करने वाले लोग बहुत महंगे होते हैं। इस पे नहीं, उसको हिंट समझ आ रही है। ऐसी चीजों से उनके सर का सदका उतार देते हैं। Oh, wow. बल्कि आप ऐसा कीजिए कि आप हमारे सर का सदका तो किसी ने नहीं उतारा। प्लीज पहना दीजिए। नेकलेस इज नाइस। अरे पहना दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, इसके साथ ही पहन लो, इतना बड़ा पहन के आई है एक छोटे से डिनर पे, इतना बच्चा भी खड़ा हुआ है वहां पे यार, फैमिली डिनर था रात में, या बाबा जी भी खड़े हैं। मेरे पास वर्ड्स भी नहीं इसको बोलने के, मुझे समझ नहीं आई मैं बोलूँ। वो देख क्यों, किसकी मियाँ की तरफ के बजाय उसकी तरफ क्यों देख रही है?
उसके बाद जब वो ऊपर देख रही है तो उस फ्रेम के अंदर अदनान सिद्दीकी भी हैं और बाबा जी भी हैं, विच इज द घर का व्हाटएवर हेल्पर व्हाटएवर। सो मैं ये सीन दो तीन दफ़ा देख चुकी हूँ, अभी जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तब भी हम देख रहे थे, और जब भी मैं देखती हूँ मुझे इतना आई फील क्रिंजी है, मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है और ये किस किस्म का है और हम ये क्यों शूट किया गया है और इसके पीछे लॉजिक क्या थी। आपने इस्टेब्लिश कर लिया है कि अदनान सिद्दीकी उसमें इंटरेस्टेड हैं और आयज़ा भी स्लोली स्लोली उनकी तरफ खींच रही हैं, बट मुझे ये सीन बहुत ही ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट लगा, बहुत ही इनअप्रोप्रिएट इन अ वे कि इवन हुमायूं सईद को भी हिट नहीं हुआ। हाँ, वो कह रहा है कि खूबसूरत चीज़ के, और आप मतलब कौन सा शौहर है जो किसी दूसरे मर्द के सामने अपनी बीवी को हार पहना रहा है, मतलब मैंने आई हैव नॉट कम अक्रॉस एंड दैट वाज इन सच अ सेडक्टिव वे। सो क्या कहते हैं, क्या सो एंड दैट सी बीवी जो फॉरन हार को देखती सब लोग ये उतार दूं हाँ और अगला पहन लूं, मतलब वाकई मतलब जो प्रोड्यूसर्स राइटर्स डायरेक्टर्स हैं द होल टीम आई एम सॉरी क्या कर रहे हैं, रियली लाइक वी आर स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड, वी वांट टू सी इससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा क्या होता है। मुझे उस वक्त ख्याल आ रहा है जैसे हम चीख के लिए हमने यू नो देखते थे फिर भी हम देखते थे, बट हम सोचते थे इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हमें गुस्सा नहीं आएगा, इससे ज्यादा हम हैरान नहीं होंगे, बट she continued to do that and I think ye drama bhi shayad yahi kare. to tumhe isme sabse zyada kya cheez bother kiya, tumhe kis cheez se sabse zyada problem hui Farah? you mean the overall five overall episodes theme? or chalo theme to they are talking about extramarital relations or affairs, theek hai chalo wo hamari society mein hai, logic ye hai ki jo society mein ho raha hai usko dikhaye aap dikhaye, but the way they are showing wo main baat kar rahi hu, because even wo jo pehla wala scene tha jisme wo khana kha rahe hote hain Humayun Saeed ke upar kuch zabardasti lagta hai, that's what we think plan hua hota hai ki usko gira dete hain, usko gira dete hain, then you know wo kamre mein chala jaye ke jo isko meri kameez de do, bhi he could have brought the kameez down and give it to him in the toilet downstairs, aur agar thoda sa giri jaye to bhi hum to matlab towel se bathroom mein ja ke किसी के साथ ही बैठ के ये ड्रामा देख सकती हूँ। इनफैक्ट जब हम ऑफिस में बात कर रहे थे तो इट वॉज वेरी ऑकवर्ड फॉर अस to discuss this with our the rest of the team because it's mujhe abhi bhi samajh nahi aa rahi, I don't understand ki unhone kiya kyun hai, it's so so indecent. okay what's next Rabia, let's just go on to number 2. yeah so mera dusra issue jo mujhe aajkal ho raha hai wo abhi teaser aaya hai Ruswai ka, हाँ जो तुमने मुझे सुबह में दिखाया था, और रुसवाई का भी टीज़र आया है, रुसवाई अभी ड्रामा शुरू नहीं हुआ है, उसका टीज़र आया है, वी सॉ इट, हम आपको दिखाते हैं फिर हम आपको बताते हैं कि हमें किस चीज़ से मसला हुआ, एंड टेल अस इन कमेंट्स इफ यू एग्री विद अस और नॉट। नंबर टू भी है। Did you see that? Did you see that? तुम जो मुझे भी बोलेंगे। चीज़ तो है भी वही चीज़ है तकरीबन दिखाई है रावे। It's not really different. तो टीज़र टू एंड टीज़र वन में ज़्यादा वो नहीं है, बीच में मेन चीज़ उन्होंने वही वाली उसी में ही डाल दिखाई है। पता नहीं तुम्हें कैसा लगा ये टीज़र देख के, मुझे तो मेरे दिल में कुछ नहीं, रोंटे तो खड़े हो गए, रोंटे खड़े हो गए, अजीब सा खौफ सा आपके दिल में फील होता है, बहुत ही
I don't know. And आजकल ये इतना कुछ all these things are happening around you and जब आप ऐसे पे दिए देखते हो तो एकदम से आपकी वो आपको और डर लगता है और खौफ होता है. Yeah. So मुझे देख के ना जो मेरे जहन में चीज़ आई वो ये था कि लोग कहते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं माशरे में तो इनके बारे में बात करनी चाहिए. टोटली एग्रीड, इस पर कोई मुझे एतराज़ नहीं है. लेकिन बात ये है कि किस तरीके से आप दिखा रहे हैं, आपने उस चीज़ को किस तरीके से ड्रामेटाइज किया है. सो ये मुझे जो मसला है ना वो मुझे मसला ये कि जितना उन्होंने इस सिर्फ इस टीज़र में, मुझे नहीं पता इसका बैकग्राउंड क्या है, बट वो दिखाते हैं कि वो खड़ी हुई अपनी फैमिली के साथ, एक बंदा बड़ी सी गाड़ी में उसको देखता है, उसको अच्छी लगती है, ही डिसाइड्स टू अबडक्ट हर एंड गन पॉइंट पे ले जाए उसके बाप. वो हाथ बाप से निकल रहा है, चीखें मार रहे हैं और कुछ. इवन ने उसको इतना सनसनीखेज और इतना ड्रामेटिक दिखाया है कि so that is what's bothering you. Yeah, that's what's bothering me because मुझे लगता है कि हमारे इस सोसाइटी में हर किस्म के लोग हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, मर्द हैं, जो पता नहीं किन किन प्रॉब्लम्स और किन किन मसाइल से गुजर रहे हैं. और जब आप ये चीज़ देते हैं ना तो उनके अंदर अगर कोई चीज़ है तो वो उभर के बाहर आ जाएगी बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पावर. बट वॉजंट द अदर ड्रामा ऑफ फिरोज एंड सन, ये सना जावेद वाला, वो भी तो पावर था ना, खानी. बिल्कुल पावर था. तो उसमें भी तकरीबन इसी तरह का ड्रामा का प्ले था, वो इसी तरह उसको उठा के ले जाता है फिर छोड़ देता है एंड एवरीथिंग. बट वो भी आई डिडंट एग्री, मतलब उससे भी मसला था बहुत से पॉइंट्स पे नहीं था. बट खैर उन्होंने बाद में दिखाया कि वो कैसे होता है, मुझे नहीं पता आगे जाके इसमें क्या होगा. एक अदील हुसैन और आमना शेख का ड्रामा आया था, तुम्हें याद है, वो जो मोरे पिया. और उसमें आमना शेख को वेडिंग नाइट पे वो किडनैप करके ले जाते हैं. अच्छा, उस ड्रामे में यूजुअली जो ड्रामे होते हैं उसमें दिखाते हैं कि जब आप बुरा करते हैं तो मकाफाते अमल है, अगर कानून आपको नहीं भी कुछ करता तो अल्लाह दुनिया में ही आपको दिखाता है. ठीक है, हुमायूं सईद का ड्रामा आया था, एक मेरे कातिल मेरे दिलदार आया था, सब में कुछ ना कुछ जिन्होंने गलत किया था उनके साथ अल्लाह ने कुछ बुरा किया, वो दिखाया उन्होंने. लेकिन उस ड्रामे में मोरे पिया में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया था. The rapist gets away, you know. जाहिद का एक ड्रामा आया था सबा कमर के साथ, उसमें भी उन्होंने रेपिस्ट को हीरो बना दिया था. अब इस वाले में मुझे नहीं पता कि क्या स्टोरी होगी, बट माई इशू इज़ दैट कि आप एक सिंपल तरीके से उसको क्यों नहीं कर सकते थे. आप ये भी तो कर सकते थे ना कि वो गाड़ी रुकी, उसको पकड़ा, अंदर डाला, चले गए. वाई डू यू हैव टू सेंस, मतलब उसको तो सनसनीखेज नहीं बनाना. हाँ, सनसनीखेज नहीं बनाएं आप. इन चीज़ों पर हम अफोर्ड कर सकते हैं. हमारा मुल्क जिस किस्म का है, जहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, जो जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती, जहाँ पे हर दूसरा एक बड़ी गाड़ी में बैठ के समझता है बंदा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, आप ऐसी चीज़ें नहीं करते. जहाँ पे यूथ के पास जगह नहीं है कि वो अपनी एनर्जी निकाल सकें, जहाँ पे पावर इज़ अ बिग थिंग, मेरा नहीं ख्याल कि आप ये अफोर्ड कर सकते हैं. मतलब क्या दिखा रहे हैं कि ओ यू आर पावरफुल, यू कैन डू दिस, एंड इससे कितना ड्रामा, कितने यू नो, कितनी आप हीरो टाइप से हो जाएंगे, कितनी सनसनीखेज. तो मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा बॉदर किया. अभी तो इसके ये दो चीज़ें आए हैं, इसका ट्रेलर अभी नहीं आया है. वंस द ट्रेलर्स आउट एंड वंस ऑफ कोर्स, और पता है मुझे एक और मसला है, देन वी विल आल्सो गेट टू नो कि वो जैसे वो तुम कह रही थी कि मिकाल ने और उसने यू नो एक दिखाया कि इधर हाथ पे किस दी है, एक सॉफ्ट किस एंड देन फ्लाइंग किस. एंड जब ओरिजिनली राबिया एंड आई वर टॉकिंग, आई एम लाइक हां राबिया फ्लाइंग किस तो दी, बट शी इज लाइक फरा वो तो लाइक नेशनल टीवी पे और इस तरह दिखा रहे हैं, इज दिस समथिंग जो दिखाना चाहिए. एंड देन थॉट अबाउट इट एंड आई वाज लाइक या कि फिर आप हर 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 उस पे आप लिमिट्स पुश कर रहे हैं ना. आप आज ये कर रहे हैं तो कल फिर क्या करेंगे, तो फिर हम हर इस पे कि ये तो होना चाहिए, ये तो हो रहा है, इट्स ओके, तो फिर हमारी कोई लिमिट्स नहीं होंगी. मतलब आज़ादी पे मीडिया की और ड्रामों की कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक लिमिट्स के दरमियान काम ज़रूर करना चाहिए. और जो लोग ड्रामे बना रहे हैं उन पे बहुत बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ड्रामा इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम. सो अगर आप हमारे से एग्री करते हैं तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप एग्री नहीं करते तो कोई बात नहीं, कॉमेंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइक का बटन दबा दें. बिकॉज यस, दिस वॉज जस्ट आवर जनरल डिस्कशन एंड टू try to make a slight change wherever, whatever part we can play. Conversations that matter. Yes. Yeah. Hashtag. Thank you. Thank you for watching.